इस वक्त हुई है दूसरी बड़ी खबर जो ऑथेंटिकेशन के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर डीडीसी में दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है वो आजाद उम्मीदवार की जीत है और आजाद उम्मीदवार बिल्किस जान जो है वो शुपियां के इस जैनापोरा इलाके से जीत कर सामने आई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। फिदा हुसैन भी हमारे साथ है। फिदा जल्दी से अपडेट कीजिएगा, जैनापोरा शुपियां से एक और जीत आजाद उम्मीदवार की, लेकिन आप इस वक्त अनंतनाग के पोलिंग मरकज पर है, क्या कुछ डिटेल आपके पास है, जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए जी गौर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी देखिए मैं बता दूं आपको कि अगर हम पोस्टल बैलेट के बैलेट की बात करेंगे, उसमें जब बीजेपी लीड नजर आ रही थी तो उसके बाद जब बैलेट बॉक्स खुले तो कहीं ना कहीं पे एक बार फिर कांग्रेस और पीएचईडी जो है यहाँ पर लीड करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जो है यहाँ 14 ब्लॉक के अंदर वहां पर भी जो आजाद उम्मीदवार है उस जगह पर वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पीडीपी के लिए एक राहत की खबर यह है कि म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग से नई बस्ती वार्ड के लिए जो पीडीपी उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है, और दूसरी जानब अगर हम म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग की बात करेंगे तो आजाद उम्मीदवार जो है उसकी जीत दर्ज हुई है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पर मुकाबला जो है वो सख्त नजर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आजाद उम्मीदवार जो है रोड़े अटका रहे हैं यहाँ पर पीएचईडी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। मुकाबला सख्त है, मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि इंटरनेट ना होने की वजह से हम पल पल की खबर जो है नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो गुलिस्तान का एग्जिट पोल है उस पर कहीं ना कहीं पर मोहर लगती हुई नजर जो है वो आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि अगर हम श्री गुफवारा ब्लॉक की बात करेंगे जहाँ पर पहले बीजेपी जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं पर उस लीड को जो है जो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार है वो उसको नीचे करने में कहीं ना कहीं पे कामयाब हो रहे, लेकिन मुकाबला हर जगह पर तक जो है वो नजर आ रहा है। हमारे पास अगर कि जो यहाँ पे मीडिया सेल रखी गई है उसमें काफी देर के बाद जो है खबर आ रही है, हालांकि हम एजेंट्स पे तो भरोसा नहीं कर सकते हैं, एजेंट्स बता रहे हैं कि हमारे हक में वोट आ रहे हैं, लेकिन जब तक हम इनकी यहाँ से जो रिजल्ट नहीं ले पा रहे तब तक कहना मुश्किल है, लेकिन जो हमारे पास नतीजे आ रहे हैं मोहर लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं पे आजाद उम्मीदवार, कहीं पे बीजेडी, कहीं पे बीजेपी, कहीं पे कांग्रेस जो है लीड करती हुई नजर आ रही है। गोवर चलिए जी, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।